लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ, एनडीए की सरकार बन गई। देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में मिली बुरी हार के सदमे से बीजेपी उबर नहीं पा रही है। हार की वजहों की तलाश को लेकर गहमागहमी जारी है। उस पर बीजेपी संगठन तेजी से काम भी कर रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद कई ऐसे कारण सामने भी आए हैं जिनसे पता चलता है कि आखिर यूपी में बीजेपी का बुरा हाल क्यों हुआ। वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों के मुताबिक जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में आलाकमान को सौंपी जाएगी। उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें पार्टी संगठन के साथ ही सरकार में बदलाव तक की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूपी में हार की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई। प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर खुद को जीता हुआ मानकर चल रहे थे। इसके कारण वे अति उत्साह में थे और मतदाताओं को ये बात खटक गई। इसके अलावा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लगातार दो बार जीत हासिल कर चुके प्रत्याशियों से जनता में नाराजगी थी। क्षेत्र में गैर मौजूदगी के अलावा कामकाज में ढिलाई इस नाराजगी की बड़ी वजह थी। कई जिलों में सांसद प्रत्याशी की लोकप्रियता इतनी हावी हो गई कि बीजेपी कार्यकर्ता घरों से ही नहीं निकले। एक और बात समीक्षा के दौरान सामने आई कि पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा ही नहीं रहा। इसके कारण मतदाताओं को वोट वाली पर्ची पहुंचाने का काम बहुत ढिलाई से हुआ। इसके अलावा कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसद प्रत्याशियों से नहीं बनी। तालमेल के अभाव में विधायकों ने उतने मन से प्रत्याशी का सहयोग नहीं किया। सूत्रों के हिसाब से समीक्षा में ये बात भी सामने आई कि राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी अनदेखी हुई। दावा है कि यदि दिए गए सुझावों पर अमल होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। एक और जगह जहां बीजेपी के नेता कमजोर साबित हुए वो है विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के दावे का जवाब पूरी दमदारी से ना दे पाना। विपक्ष के नेताओं में खास तौर पर अखिलेश यादव अपनी प्रत्येक सभा या रैली में बीजेपी द्वारा संविधान बदलने की बात को पूरी ताकत से उठाते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि दलित और पिछड़े वर्ग में ये बात घर कर गई, जिसके चलते उसने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में काफी हद तक मतदान किया। वैसे तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों और नेताओं ने अपने हर चुनावी भाषण में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बढ़ चढ़ कर बखान किया, लेकिन कांग्रेस की 8500 रुपए महीने की गारंटी वाली स्कीम ने वोटरों को खासा आकर्षित किया। जबकि बीजेपी इस स्कीम के काउंटर में कोई सटीक गणित लोगों को समझा नहीं सकती। स्थानीय समीकरणों के साथ ही लगभग हर सीट पर पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं की तमाम निगेटिव बातें विपक्ष जनता को समझाने में कामयाब रहा, जबकि बीजेपी ठीक ढंग से काउंटर ही नहीं कर पाई। यूपी में बीजेपी के बुरे हश्र पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी समीक्षा प्रदेश संगठन की ओर से की जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से हार के कई कारण हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सका। तो चूंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री ने जनता का जिस प्रकार से विश्वास कायम किया, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, तो हमको भी हम जैसे सब कार्यकर्ताओं को जनता के पीछे और अधिक विश्वास कायम करना पड़ेगा और ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा हमको भरोसा है। कई सारे प्रत्याशियों को ये भी कहना है कि भीतर घात हुआ है, मतलब पार्टी के भीतर के लोगों ने ही पार्टी के लोगों को हराया है, क्या सहमत है आप इस बात से? अभी कुछ टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ तो होता, थोड़ा बहुत तो होता है, उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, पर वो विषय नहीं है। उन सबको ठीक करना ये प्रदेश नेतृत्व की, हम सब लोगों की, मेरी यही सब लोगों की जिम्मेदारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।